हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमन जैन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो लगातार, अगर आप देखेंगे तो सर्किट, अपर सर्किट लगाते जा रहा है। 10% का इसने लगाया था और जनवरी में ये लगभग जनवरी फरवरी में 50-51 के करीब ये स्टॉक चलता था और अभी ये स्टॉक 147 अपने 52 वीक हाई के ऊपर चल रहा है। तो काफ़ी लोगों का मैसेजेस आ रहे हैं कि अभी स्टॉक को लिया जा सकता है क्या। तो सबसे पहले इसका अगर आप देखेंगे 147 के ऊपर चल रहा है, ये कंपनी है बिरला केबल लिमिटेड और 52 वीक लो 38.60 का है और हाई 147.30 का NSE के ऊपर, जो कि अब 52 वीक हाई के ऊपर भी चल रहा है। यहाँ से और हाई भी लगा सकता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूस इसने ऊपर की तरफ ही रुख अपनाया है, तो ये एक रिस्की भी हो सकता है और जो रिस्क लेंगे और ऊपर जाता है तो प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा अगर करेक्शन आता है स्टॉक के अंदर तो उसके बाद ही लीजिएगा, और अगर आपको लगता है और ऊपर जाएगा और सर्किट्स लगेंगे तो आप ले सकते हैं। तो और इसके अंदर अगर आप देखेंगे एक साल का चार्ट तो काफ़ी नीचे था ये स्टॉक, लगभग 38-40 रुपये के करीब चलता था और इसका अगर देखेंगे मई 16, 2018 को 70 रुपये के करीब था, तो आज की तारीख में ये लगभग 147 लगभग डबल हो गया है। मई से अगर आप आज की तारीख देखेंगे 3 महीने में ही ये स्टॉक डबल हो गए हैं। तो ये भी हो सकता है कि ऊपर के रेट में अगर काफ़ी लोग ले लें और फिर नीचे आ जाए तो काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो ये स्मॉल कैप की कंपनी है, अगर मार्केट करेक्ट होता है तो ये स्टॉक भी करेक्ट हो सकता है, तो ये भी गुंजाइश बनती है। तो मेरे हिसाब से तो थोड़ा अगर करेक्शन आता है तो उसी के अंदर लीजिएगा। और इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 441 की है, छोटी कंपनी है, 10 रुपये का फेस वैल्यू है। इसके अगर फाइनेंशियल्स देखेंगे तो फाइनेंशियल्स अच्छे आ रहे हैं और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छी शेयर होल्डिंग पैटर्न है, लगभग 66% की कंपनी की होल्डिंग है। और सेल्स टर्नओवर जून क्वार्टर में देखेंगे तो 117 करोड़ का था, पहले 114 मीन्स 3 करोड़ बड़ा है। और नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो 11 करोड़ का है, पहले 8.91 का था, तो थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज हुआ है। लेकिन जो स्टॉक और इसका EPS भी देखेंगे तो 3.69 की है और पहले 2.97, जो कि कंपनी ग्रो कर रही है, लेकिन स्टॉक में जिस हिसाब से ग्रोथ आई है काफ़ी ज़्यादा आई है। तो आप अपने एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिएगा, आप अपना रिसर्च ज़रूर करिएगा अगर आपको लेना है तो। तो मेरा तो यही मानना है कि थोड़ा अगर करेक्ट होता है नीचे की तरफ तो उसी टाइम लेने में ठीक रह सकता है। तो चलिए आज इसके बारे में बताना था, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहें। चलिए, थैंक यू।